आईपीएल के मास्टरमाइंड ने ही किया आईपीएल के साथ स्कैम, क्या ये पूरी कहानी? अपनी अर्ली एजुकेशन पूरी करने के बाद ललित मोदी ने यूएस में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिशन ली, लेकिन वो ये कोर्स वहां पर पूरा नहीं कर पाया। वहां से इंडिया आने के बाद उसने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और 1993 में अपना खुद का मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क ये बिजनेस शुरू किया। ललित मोदी ने देखा कि इंडियंस क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए उसने अपनी आईपीएल की आइडिया बीसीसीआई के सामने रखी, लेकिन बीसीसीआई ने उसे पूरी तरह से मना कर दिया। उसने दूसरा तरीका ढूंढा। सबसे पहले उसने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड छोटे तौर पर ज्वाइन किया और फिर 2005 में वो बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बन गया और उसके बाद उसने बोर्ड के सामने आईपीएल की आइडिया रखी और आइडिया पास भी हुई। और यहाँ से ललित मोदी पर आरोप है, उसने कई सारे डिसीजंस अपने खुद के जाती फायदे के लिए लिए। जब आईपीएल में दो नई फ्रेंचाइजीज ऐड की गई तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया। उसके बाद कुछ साल ये मामला कोर्ट में चला, जहां पर कोर्ट ने ललित मोदी को गिल्टी पाया। उसके बाद ललित मोदी तुरंत इंडिया से बाहर भाग गया। आईपीएल के मैचेस जैसे नेल बाइटिंग फाइनेंशियल स्कैम्स को समझने के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें।